हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, शास्त्री व फाफामऊ पुल पर बनेगा वर्टिकल गार्डन, होगा दिव्यता भव्यता का एहसास। पीडीए इस पर 4.93 करोड़ रुपए खर्च करेगा। शास्त्री ब्रिज और फाफामऊ पुल पर चढ़ने से पहले ही लोगों को दिव्यता भव्यता संग हरी भरी महाकुंभ नगरी का एहसास होगा। इन पुलों के दोनों ओर अप्रोच मार्ग पर 2-2 किलोमीटर तक वर्टिकल गार्डन का लगाने का निर्णय लिया गया है। पीडीए इस पर 4.93 करोड़ रुपए खर्च करेगा। महाकुंभ आयोजन के दौरान शास्त्री ब्रिज सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक होगा। वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ समेत अनेक जिलों से श्रद्धालु इस मार्ग से आएंगे। वाराणसी से होकर आने वाले देश विदेश के पर्यटक भी इसी मार्ग से आएंगे। वहीं लखनऊ से श्रद्धालु फाफामऊ पुल से आएंगे। इस महत्ता को देखते हुए दोनों पुलों के मरम्मत एवं सुंदरीकरण का काम शुरू हो गया है। शास्त्री ब्रिज के पुल पर जल्द महाकुंभ की महत्ता बताने वाली लाइटें लगेंगी। इसी तरह फाफामऊ पुल को भी सजाया जाएगा। 28,000 गमलों में लगे पेड़ पौधे से सजेगा शहर। महाकुंभ के दौरान शहर के प्रमुख मार्ग भी फूलों व सदाबहार पत्तों वाले गमलों से सजाए जाएंगे। इसके लिए 28,000 गमले लगाए जाएंगे। 1,000 तो बड़े आकार के गमले होंगे। इस बार बड़े गमले सीमेंट के बजाय प्लास्टिक के मंगाए जाएंगे। 2019 में मंगाए गए सीमेंट के गमलों खराब हो गए थे। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि प्रमुख चौराहे डिवाइडर पर एक बड़े गमले के चारों तरफ छोटे छोटे मिट्टी के गमले रखे जाएंगे। यह जिम्मेदारी उद्यान विभाग को दी गई है। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।